यार इतने में ना इतना मिलेगा ना भाई, बहुत है बहुत। सन्नी देओल की मुक्का देखे सन्नी देओल का, 1.5 किलो वाला 2 किलो वाला। ये जो हरी वाली चटनी इसमें क्या डाल रखा है? ये बेटा अमरूद है। अच्छा, अमरूद हो गया, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक का बंद के साथ फ्रूट को खाना कैसा लगेगा? तो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने। तो यार स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल दो मस्ताना में। आज लेकर आ गए आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो, देखकर आपको कुछ अलग सा देखकर मजा आ जाएगा कि ये क्या चीज है यार। आपने बर्गर तो यार बहुत खाए होंगे, टिक्की वाले बर्गर, मेयोनीज वाले बर्गर, लेकिन आज जो हम बर्गर खाने लगे हैं ना, फ्रूट चाट बर्गर है, फ्रूट चाट बर्गर। और इनकी जो एक टिक्की भी देते हैं वो भी फ्रूट टिक्की, और रेट जो है ना यार काफ़ी मुझे रिजनेबल लगा यार। फ्रूट चाट बर्गर यहाँ मिलने वाला है, और देखिए यहाँ पे सन्नी पाजी की फोटो भी लगी हुई है। और ये क्यों लगी है फोटो, इसका बताऊँ मैं आपको क्या रहा जाए? ये यहाँ पर मिलने वाला है हमें बाहुबली बर्गर। तो इस नाते तो यहाँ बाहुबली की फोटो होनी चाहिए थी, प्रभास की, सन्नी देओल की। मुक्का देखे सन्नी देओल का, 1.5 किलो वाला 2 किलो वाला। यहाँ पे फ्रूट चाट नॉर्मल नहीं मिलती है आपको, फ्रूट जो होगा प्रॉपर बंद के अंदर मिलेगा एक बर्गर की तरह यार। तो यार उसका टेस्ट कैसा आएगा, बंद के साथ फ्रूट को खाना कैसा लगेगा, वो जरा यहाँ पर देखेंगे आज। तो ये देख लीजिए आप, सबसे पहले है फ्रूट टिक्की। ये है फ्रूट टिक्की जो कि 30 रुपए की, ब्रेड टिक्की जो कि एक नॉर्मल होती है कहीं भी आपको मिल जाएगी 20 रुपए की। फ्रूट चाट ये 30 की देते हैं, बर्गर जो है 20 का देते हैं। हम यहाँ टेस्ट करने आए हैं जो है हमारी फ्रूट टिक्की बर्गर। बर्गर देख लीजिए, आई थिंक 25 रुपए का होगा। ये सिंपल बर्गर है, ये सिंपल बर्गर है जो 25 रुपए का। एक चीज और देख लो, अंकल का कार्ट कैसे भर रखा है, बिल्कुल सब्जियों से, सैलेड से, फ्रूट से, ब्रेड से, टिक्कियों से, आलू से। अंकल आप अभी आए हैं क्या, अभी लगाई है आपने? बेटा मैं 12 बजे शुरू कर दूँ। वाह जी अंकल, अभी काफ़ी भरक माल आप बहुत ज़्यादा लेके आते हैं यानी यहाँ, मतलब कोई बंदा अगर आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, टेस्ट करके ही आएगा। इतना माल तक लगाता हूँ, इतना माल रहता है बिल्कुल। तो कब से लगा रहे हैं अंकल आप ये रेडी? बेटा ये मैं 1997 से लगा रहा हूँ। अच्छा, तो वैसे मैंने 82 में पढ़ाई छोड़ी थी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कटलर हैमर पे ये चाट का काम किया था, उस टाइम 1.5 रुपए प्लेट थी। अच्छा, 1.5 रुपए प्लेट। हाँ जी। अच्छा, तो सन्नी की पिक्चर लगी थी गगन पे। अच्छा, बेताब। अच्छा, वो देखी थी मैंने 30 बार। अच्छा जी, 30 बार। हाँ जी, उसके बाद फिर मैंने जब काम शुरू किया था तो सनी का ही फोटो लगवाया था। शुरू से। अच्छा, तो अंकल ये आइडिया कैसे आया, मतलब बर्गर तो यार बहुत मिल जाते हैं टिक्की वगैरह वाले, तो मेयोनीज वाले बर्गर आगे बड़े चल रहे हैं, लेकिन फ्रूट का बर्गर का कैसे आइडिया है? मैं ना फ्रूट चाट का काम करता था, ब्रेड टिक्की और फ्रूट चाट, उस टाइम बर्गर थे ही नहीं। अच्छा। तो फिर जब बर्गर शुरू हुए तो मैंने बर्गर का काम शुरू किया। अच्छा। ब्रेड टिक्की बंद हो गई, बर्गर ही बिकना शुरू हो गए बहुत ज्यादा। अच्छा। उस टाइम 5 रुपए का बर्गर किया था, फिर 7 रुपए का। अच्छा जी, 5 रुपए का बर्गर था, आप देख रहे हैं 5 रुपए का बर्गर मिलता था। 5 का था, फिर 7 का हुआ। तो फिर जैसे टिक्की खत्म हो जाए, मैंने तो वो कौन सा सन था 5 रुपए वाला, सन 94, 95, 93। अच्छा जी, तो ये फ्रूट वाला था, इसी की बात कर रहे हैं? इसी की बात करें ना, फ्रूट चाट। हाँ जी हाँ जी। तो मैं फ्रूट क्या कहते हैं टिक्की जैसे खत्म हो जाए। अच्छा, तो फ्रूट डालना शुरू कर दिया। अच्छा, अच्छा। वो फिर फेमस हो गया, चलने लगा। आई थिंक पूरे फरीदाबाद या NCR में आप ही एक अलग शख्स होंगे जो कि फ्रूट वाला बर्गर देते हैं। फ्रूट वाला बर्गर अंकल ही लाया जरा, और मैं फ्रूट बर्गर चलता बिकता मेरा। हाँ। तो टेस्ट करते हैं यार कैसा बर्गर ये होने वाला है। चटनी वगैरह देखो। हाँ। ये धनिया पुदीना की अपने घर की चटनी है। ये देखिए चटनी, धनिया पुदीना, अमरूद वगैरह। अच्छा, तो इसमें केले डाल रखे हैं, केले हैं, अनार है। अच्छा, बिल्कुल घर की है, घर की बनाता हूँ ना रेडीमेड। ये जो हरी वाली चटनी इसमें क्या डाल रखा है? ये बेटा अमरूद है। अच्छा, अमरूद हो गया, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक। अच्छा, प्याज नहीं होता, प्याज लहसुन नहीं होता। अच्छा, प्याज लहसुन नहीं होता। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों वैसे प्याज मैं डालता नहीं, वैसे तो प्याज रखता हूँ बर्गर के लिए, अभी वो भी बंद है। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात। 9 दिन तक नहीं रखता बेटा, ना खाता हूँ ना खिलाता हूँ। तो एक बार इनके तवे की तरफ नजर मार लीजिए यार, तो देखिए कितने क्रिस्पी ये आलू लग रहे हैं, आलू देख लीजिए, और टिक्की भी रेडी है। जिस हिसाब से बर्गर का रेट है उस हिसाब से टिक्की है, काफी रीजनेबल साइज है टिक्की का। तो अंकल आज हमें आप बढ़िया क्या खिलाने वाले हैं अपनी स्पेशलिटी से? बेटा आपको फ्रूट बर्गर खिला। देखिए तो बंद जा रहा है ये, तो इसमें आप हर एक तरह का, मतलब ये खीरा टमाटर सब कुछ डलेगा? खीरा टमाटर बेटा। अच्छा। नाशपाती। अच्छा। केला, अनार, सेब। क्या इसमें संतरा भी डलने वाला है क्या? संतरा नहीं डालूंगा। अच्छा, अमरूद है। अच्छा, सेब डलेगा।
केला अनार बहुत कुछ डलने वाला है यार, मतलब एक बर्गर में इतना। और यार ये सब वो है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो एक बर्गर में डलने वाला है। कर रहे हैं ये अमरूद है, अमरूद डाल दिया, सेब है, सेब आ गया, नाशपाती, नाशपाती आ गई, खीरा, खीरा डाल दिया, टमाटर, टमाटर डाल दिया, टमाटर डाल दिया, केला डाल, केला डालने वाला है। तो इसमें मसाले भी डालेंगे इनको? हाँ जी बेटा, ये केला डाल रहे हैं। ये बेटा मसाले। अच्छा ये कौन सा मसाला? ये पीली मिर्च है। अच्छा पीली मिर्च। हाँ जी, ये मसाला गरम मसाला। अच्छा, ये काला नमक, काला नमक, ये चाट मसाला बेटे। अच्छा चाट मसाला हुआ जी। और ये आ गई अपनी हरी चटनी। हाँ जी, ये पुदीने वाली। हाँ जी, क्या बात है बेटा, ये अनार केले की चटनी। ओए होए होए, अनार केले की चटनी यार, वाह जी वाह। ये बेटा ये दही, ये दही आ गया। ये तो भाई जब खाएंगे ना, जब इसको बंद करेंगे एक लोग ना, फ्रूट ऐसे बाहर आएगा ना ऐसे करके यार, इतने में ना इतना मिलेगा ना भाई, बहुत है बहुत। ये देखो भाई बर्गर, क्या बात है। ओए होए होए गाइस, आ गया बर्गर अपना, कौन सा फ्रूट बर्गर भाई, फ्रूट बर्गर, वाह जी वाह। ये देख लो एक बार, खोल के आपको दिखाता हूँ। ये साथ है इसके, ये साथ है इसके, आलू है, ये आलू साथ है इसके, ये देख लीजिए जल्दी जल्दी भाई। बर्गर टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अल्टीमेट यार, मतलब फ्रूट जो है ना ओवरलोडेड है यार, ओवरलोडेड है भाई, कॉम्बिनेशन ही अलग है, कभी सोचा नहीं था ऐसे कॉम्बिनेशन यार, बंद के अंदर इतना सारा फ्रूट डाल के। तो जो आप इनके बर्गर का जिनका पॉइंट है, यहाँ पर पहली बार आए आते रहे? नहीं, मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूँ, हफ्ते में 2 से 3 बार मैं आता ही आता हूँ, मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे बर्गर जरूर खा के जाता हूँ, घर पे पैक करा के ले जाता हूँ। सबसे बढ़िया बर्गर कौन सा लगता है आपको? मेरे को फ्रूट चाट, फ्रूट चाट वाला, क्योंकि ये इसलिए भी लगता होगा ना आपको क्योंकि डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, एक तो इसमें सारे फ्रूट का टेस्ट आता है ना, वो एक यूनिकनेस पैदा करता है। अच्छा, दूसरा अंदर की जो चटनी है लाल वाली, ये बिल्कुल प्योर चटनी है। हाँ ये तो है, प्योर चटनी है, केले की और इमली की चटनी जैसे पुराने जमाने में, पुराने वाली जो वही वाली चटनी है, खाने का अपना एक अलग मजा है। अच्छा, अंकल जी इतना प्यार से खिलाते हैं। सही में, ये बात मैंने भी नोटिस की है, अंकल जी के बर्गरों में ना इनका प्यार बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा, ये भी एक चीज होती है, बंदा खाना टेस्ट पैसा कैसा भी हो, अगर आपका बोलने का तरीका जबान पे मिठास नहीं है ना, तो बंदा ना आने से कतराएगा, दो बार सोचेगा। ये जो लोकेशन है भाई, ये है नीलम सिनेमा के पास, नीलम चौक में, फरीदाबाद। तो फ्रेंड्स, बर्गर खा के यार आपको जैसे बताया, बहुत ही अल्टीमेट फीलिंग आई है, बहुत मजा आ गया, क्योंकि यार फ्रूट था इसमें यार, कुछ तले वाली ऐसी कोई चीज नहीं थी, काफी हेल्दी बर्गर था यार, आप हेल्दी बर्गर बोल सकते हो उसको। तो गाइस आगे आएंगे कुछ बहुत बढ़िया, कुछ अलग, कुछ किफायती आपके लिए लेकर, तब तक डू वॉच अवर चैनल, दो मस्ताने भूलिएगा नहीं, और एंजॉय करिए यार।